हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखिए हम क्रोशे से वाली स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। पूरी हमने पफ स्टिच से बनाई है, तो इसे आप किचन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लॉक भी बनाया है, तो ये बहुत ही प्यारी लगती है। आप बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसमें भी लगा सकते हैं। बच्चों के पलने के लिए जो डोरी बनाते हैं इसको झुलाने के लिए, वो भी मैं आपको आगे बना करके दिखाऊंगी बहुत जल्दी। मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खिलौने, फ्रूट्स, सब्जी वगैरह क्रोशिया से बना करके दिखाया है, तो बहुत सारा बनाया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं, या तो वीडियो के एंड में भी दे दूँगी। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 4 प्लाई वूल और 11 नंबर का क्रोशिया लिया है, और इस तरह से मैचिंग रिंग हमने बना ली। देखिए फिर से एक बार इस तरह से करेंगे, पहले धागा लेंगे, इस तरह से उंगली पर लपेट देंगे और यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे ऐसे। अब हमें इसी के अंदर पफ स्टिच बनाना है, 1, 2 और 3। पहले हम 3 चेन बनाएंगे, फिर लूप लेकर के इसी के अंदर डालेंगे, इस तरह से लंबा खींच लेंगे थोड़ा सा। एक बार किया, ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार, और ये चौथी बार। 4 बार हमें इस तरह से करना है, और सारे धागे हमें एक साथ निकाल देने हैं। इस तरह से सारे धागे एक साथ निकालने के बाद एक चेन बनाएंगे। फिर से इसी के अंदर पफ स्टिच, 1, 2, 3 और 4। 4 बार करने के बाद सभी धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन। फिर से 1, 2, 3 और 4, ये तीसरी बार है, फिर एक चेन, और ये चौथी बार, 1, 2, 3 और 4। फिर हम सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन। तो हमने 4 बार बनाया, देखिए 4 हमारे पफ स्टिच हो गए। अब हम इस रिंग को खींच देंगे, इस तरह से खींच देंगे, और अब हमें राउंड को जॉइंट कर देना है। यहाँ से हम पहला जो हमने बनाया था, देखिए यहाँ पर हमने जो 3 चेन ली थी इसके साइड में क्रोशे को डाल करके स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ पर, तो ये जॉइंट हो गया। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, इस साइड को हमें बाहर की ओर निकालना है, इस तरह से ऐसे। तो ये हो गया हमारा, और अब हम इसे दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे, सीधा हो गया। अब हम इस धागे को साथ में ले लेंगे, और यहाँ पर एक पफ स्टिच के बाद जो हमने दोनों के बीच में जो होल है इसके अंदर हमने क्रोशिया डाला है, देखिए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच कर दिया, फिर 1, 2 और 3 चेन बनाई, और दोनों के बीच में डालना है हमें, देखिए 1, 2, 3 और 4। 4 बार लेकर के सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन। इसी के अंदर दोनों पफ स्टिच के बीच में हमने डाला था, इसी के अंदर दूसरी बार हम बनाएंगे 3 और 4। फिर से सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन। फिर नेक्स्ट वाले के बीच में, देखिए ये वाला पफ स्टिच हमने स्किप कर दिया, दोनों के बीच में यहाँ पर फिर से 2 बार बना देंगे। 4 बार हम 2-2 करेंगे। पहले हमने पफ स्टिच 4 बनाए थे, तो 4ों के बीच में हम 2-2 बार बना देंगे, तो इस रो में हमारे पास 8 बार आएंगे पफ स्टिच। इस तरह से सारे धागे निकाल दिए, फिर एक चेन। अब फिर से नेक्स्ट वाले के बीच में 2 बार ऐसे, 3 और 4, फिर से एक चेन। फिर से 1, 2, 3 और 4,
फिर से सारे धागे निकाल दिए एक चेन। अब हमारा लास्ट बार है, दोनों के बीच में फिर से दो बार बना लेंगे। इस धागे को साथ रखेंगे, तीन और ये चार, फिर से सारे धागे निकाल दिए एक चेन, फिर से एक दो तीन और ये चार, सारे धागे निकाल दिए, फिर एक चेन। और अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए हमने चार बार दो दो कर दिए, हर एक के बीच में चार पफ स्टिच थे तो इनके बीच में बना दिया। अब हम यहाँ पर तीन चेन ली थी, इसके होल में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से इसके यहाँ पर देखिए ये वाला पफ स्टिच स्किप कर देंगे, इसके बीच में फिर से क्रोशे को डाल करके एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक दो और तीन चेन बनाएंगे और इसी के अंदर हमें फिर से पफ स्टिच बनाना है, एक दो तीन और ये चार, चारों को एक साथ निकाल दिया, फिर एक चेन, फिर से सेम एक दो तीन और ये चार, सेम होल में हमने फिर से दूसरी बार बनाया देखिए। और अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट में एक बार बनाना है, फिर से एक दो तीन और ये चार, एक बार हो गया, यहाँ पर दो बार किया, फिर एक बार, फिर इसी में फिर से दो बार। अब हमें इस तरह से करना है, एक में एक बार और एक में दो बार, तीन और ये चार, फिर से एक चेन, फिर से एक दो तीन और ये चार, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में एक बार, एक दो तीन और ये चार, और फिर नेक्स्ट में दो बार। देखिए पहले दो दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, इसी तरह से हमें करना है, एक में एक और एक में दो। तो देखिए एंड में हमने एक बार बना दिया, यहाँ पर दो आए थे तो एंड में हमारा एक आएगा, शुरू में भी हमारा दो आया था तो बीच में हमारा एक ही आएगा। एक चेन ली और अब जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वहीं पर ये हम जॉइंट कर देंगे, फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे दोनों के बीच में, फिर से हमें पफ स्टिच करना है तो फिर से इसी तरह से करेंगे, एक दो तीन और ये चार, सारे धागे एक साथ निकाल दिए एक चेन। अब हमें हर एक के बीच में एक एक बार बनाना है, देखिए यहाँ पर ही दूसरी बार नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। अब हमें हर एक पफ स्टिच के बीच में एक एक बार ही बनाना है चेन, फिर से एक दो तीन चार, फिर से नेक्स्ट एक दो तीन चार, फिर से चेन, फिर से नेक्स्ट में एक दो तीन चार। तो इसी तरह से आप ये बना लीजिए, देखिए हर एक में एक एक बार। तो देखिए हमने पफ स्टिच बना लिया है हर एक के बीच में एक एक बार। तो अब हमारा आखिरी भी बन गया है, एक चेन ले लेंगे और यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे, ये जो तीन चेन बनाई थी इसके बीच में, फिर से हम ये दो पफ स्टिच हैं हमारे इसके बीच में डाल करके एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमें हर एक पफ स्टिच के बीच में सिंगल क्रोशिया बनाना है, देखिए एक चेन ली, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले होल में देखिए इस तरह से, फिर से नेक्स्ट वाले होल में, फिर से नेक्स्ट वाले होल में, इसी तरह से हर एक होल में एक एक बार हमें सिंगल क्रोशिया करना है, एक एक बार ही बनाना है। और सिंगल क्रोशिया के बीच में हमने कुछ नहीं लिया है, देखिए हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ऐसे अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अगर आपको पता ना चले तो यहाँ पर आप मार्कर लगा दीजिए, पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर दिया।
अब फिर से एक चेन लेंगे और फिर से एक रो हम इसी तरह से बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, बारह बार हमारे सिंगल क्रोशे आएंगे, बारह फिर राउंड को जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से और यहीं से ही हम धागा काट देंगे। थोड़ा सा धागा लंबा रखेंगे क्योंकि इसी धागे से हम फिर अटैच कर देंगे इस सारे होल को। और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है तो अब हम इसके अंदर कॉटन डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके कॉटन डाल देंगे इसे। इस तरह से देखिए हमने कॉटन डाल दिया। अब हम इसी धागे को हमने लंबा रख करके काटा था तो इसी धागे से अब हम इसको सिल देंगे इस तरह से। आप एक एक स्टिच में लेते जाएगा इस तरह से। तो ये अच्छे से हो जाएगा। देखिए एक एक स्टिच के अंदर लेते लेते थोड़ा सा धीरे धीरे खींचते रहेगा ऐसे। तो ये बड़े आराम से हो जाएगा देखिए। और अब हम इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके नॉट लगा देंगे और इसके ऊपर हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आ जाएगा पत्ती वाला। तो इसके ऊपर यहाँ पर हम बीच में ही नॉट लगा देते हैं क्योंकि नॉट हमारी इसके नीचे चली जाएगी। तो इस तरह से हम नॉट लगा करके पक्का करके धागे को काट देंगे। तो देखिए अब हम इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बनाएंगे। हमारी ये वाली स्ट्रॉबेरी बन करके रेडी हो गई। तो इसके लिए हम इस तरह से फिर से मैजिक रिंग बना देंगे और यहाँ से ही हम धागा स्टार्ट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर एक और दो, दो बार हमने चेन बनाई। फिर इसी के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशा करना है। एक हाफ डबल क्रोशा किसे कहते हैं, देखिए तीनों को एक साथ निकाल देते हैं। लूप लिया, होल में डाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। डबल क्रोशे में हम दो दो करके दो बार निकालते हैं, हाफ डबल क्रोशे में तीनों एक साथ निकाल देते हैं। तो हम दो की चेन को साथ में नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर हमने चार बनाए, पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, बारह हमारे बन गए। इसके बाद हम मैजिक रिंग को खींच देंगे इस तरह से और फिर यहाँ पर हम राउंड को जॉइंट कर देंगे पहले हाफ डबल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच से इस तरह से। और फिर यहाँ पर एक दो तीन चार और पांच चेन बनाएंगे। एक हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया और फिर जो हमारी दो चेन रह गई है इन दोनों चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया, एक और ये दो। तो ये हो गया हमारा पत्ती। और अब हम यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने बनाया तो इसके बाद की एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से पांच चेन, दो तीन चार और पांच, फिर से एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया और फिर से डबल क्रोशिया और फिर से यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह की हमारी छः पत्ती आएगी। देखिए दो बनी है वैसी ही हमारी छः पत्ती आएगी। तो
तो देखिए हमारी आखिरी पत्ती भी बन गई। अब हम इसे यहाँ पर एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर से ही धागा खींच करके काट देंगे। और यहाँ पर ये जो हमने स्टार्ट किया था वो वाला धागा और इस वाला धागा दोनों को हम नीचे की ओर खींच करके इसकी नॉट लगा देंगे, इस साइड निकाल करके यहाँ पर इसकी नॉट लगा देंगे दोनों की। तो देखिए हमारा ये वाला हिस्सा बन करके रेडी हो गया। और अब हम ये वाला लॉक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो हम चेन बनाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा धागा पहले हम छोड़ देंगे, फिर बाद में से यहाँ पर से चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा धागा लंबा रखेंगे और जितना भी आपको बड़ा रखना है इतनी चेन आप बनाइए यहाँ पर लॉक के लिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से बना करके चेन बना करके ऐसे करके देख लीजिए। इस तरह से 10 बनाई मैंने, 11, 12, 13, 14 थोड़ी सी आपको नॉट लगानी है इसलिए थोड़ी सी चेन आपको ज़्यादा बनानी पड़ेगी। 2, 3 या 4 आप ज़्यादा बना लें, जितना लॉक चाहिए इससे थोड़ी सी ज़्यादा बनाएं क्योंकि एक नॉट हमें लगानी है। तो इस तरह से हमने चेन बना ली। यहाँ पर भी थोड़ा सा धागा रखेंगे और फिर यहाँ से काट देंगे। तो देखिए इस तरह की हमने चेन बनाई है। अब हम इसमें नॉट लगाएंगे ऐसे करके, दोनों इकट्ठा कर लिया, फिर यहाँ पर नॉट लगा देंगे ऐसे करके। देखिए थोड़ा सा हमारा नॉट में चला जाएगा इसलिए हमने बोला था कि चेन थोड़ी सी 2-3 चेन ज़्यादा बना ले। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका नॉट में थोड़ा सा चला जाएगा। तो 1-2 बार नॉट लगा दीजिए, फिर बाद में हम जो ये हमने ऊपर वाली पत्ती बनाई है इसके साथ ही इसको जॉइंट कर देंगे, हमें अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा धागा काट दीजिए और फिर यहाँ पर राइट साइड है हमारी, इसके अंदर से बीच में से क्रोशे को डालेंगे और चेन को ऊपर के साइड खींच देंगे। यहाँ पर से थोड़ा सा इसको लूज़ रखना है, जब हम इसे इस मैजिक रिंग को खींचे तब हम थोड़ा सा लूज़ रखेंगे ताकि इसके बीच में से हमें ये लॉक जब हम निकालें तब हमारा इजीली इसके बीच में से निकल जाए। देखिए तो ये हमारा लॉक बन करके रेडी हो गया है। और अब हमारा ये वाला जो है वो नीचे की ओर चला जाएगा और नीडल में धागा पिरो करके अब हम इसके साथ इसे अटैच कर देंगे। देखिए हमने नीडल में धागा पिरो लिया है। अब हम यहाँ पर सेंटर में रख करके पहले तो देख लेंगे और यहाँ से हम धागे को स्टार्ट कर देंगे और इसी के अंदर हम स्टिच लेते जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से लेंगे, बाहर के साइड ना दिखाई दे, इस तरह से थोड़ा सा कर देंगे ऐसे करके। हम पूरे राउंड में एक बार कर देंगे, फिर सारी पत्तियों को स्टिच कर देंगे इस तरह से। पहले हम बीच वाला सर्कल करेंगे ऐसे और फिर पत्तियां करेंगे इस तरह से, ऐसे करके पूरे सर्कल में आप स्टिच कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने बीच बीच में राउंड में हमने स्टिच कर दिया। अब हम इस पत्तियों को इस तरह से स्ट्रॉबेरी के साथ स्टिच कर देंगे। अगर आप इसी तरह से रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसे यहाँ पर स्टिच करना चाहे तो इस तरह से कर दीजिए। स्ट्रॉबेरी के साथ थोड़ा सा स्टिच हम स्ट्रॉबेरी में से लेंगे और थोड़ा सा पत्ती में से, तो इसी तरह से हम सारी पत्ती को कर देंगे। देखिए यहाँ पर से लिया, फिर से एक बार और कर देंगे। तो इसी तरह से आप सारी पत्तियों को स्टिच कर दीजिए। देखिए तो देखिए स्ट्रॉबेरी बन करके रेडी हो गई है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।